हेलो ऑल एंड वेलकम टू रिकॉग्निशन आई ए एस जोग्राफी ऑप्शनल क्लासेज में हम लोग देख रहे हैं फिजिकल जोग्राफी और इस फिजिकल जोग्राफी में जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है जियोमॉर्फोलॉजी का फटाफट स्टार्ट करते हैं लेटस स्टार्ट लेटस कम्प्लीट एंड लेटस क्रैक बट बिफोर दैट दीज आर अवर कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड दीज आर अदर कोर्सेज अवेलेबल विच आर स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज एंड एडवांस ज्योग्राफी कोर्स फॉर मोर डिटेल्स यू कैन ड्रॉप एन ई मेल ऑन रिकोगशन आई एस एट जी मेल डॉट कॉम यहाँ पर आपको डिटेल्ड रिपोर्ट मिल जाएगी सिलेबस वाइज अगर देखते हैं तो हमारे पास वी हैव ऑलरेडी कम्पलीटेड मोस्ट ऑफ आवर टॉपिक्स जिसमें से हमारा जो टॉपिक लास्ट के तीन है ये दोनों अभी बचे हुए हैं तो इट विल टेक सर्टेनली थ्री टू फोर मोर लेक्चर्स और इसके बाद आपकी ये पूरी की पूरी जियो ख़त्म हो जाएगी सो इट विल टेक वन मोर वीक टाइम टू कम्प्लीट ऑल द जोग्राफी सिलेबस वी आर ट्राइंग वेरी हार्ड आप भी लोग इसको कोशिश करते रहिए कम्प्लीट करने की सटेनली इट विल बी फिनिस्ड बिफोर फिफ्टी ऑफ नवम्बर कोशिश हमारी यही है कोशिश तो हमारी पहले फिफ्थ नवम्बर की थी लेकिन बिकॉज ऑफ दिस वाइड सिलेबस बिना इग्नोर किए हुए टाइम uh, थोड़ा सा एक्स्ट्रा जरूर लगे बट अच्छे से कम्प्लीट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर देखते हैं हमारा जो डेन्यूडेशन है इसमें अगर देखें तो द फर्स्ट टॉपिक इज़ द एग्जोजोनेटिक प्रोसेस एंड थ्योरी ऑफ लैंडफॉर्म डेवलपमेंट लैंडफॉर्म डेवलपमेंट के बारे में ऑलरेडी आप लोग काफ़ी ज़्यादा पढ़ चुके हैं कहाँ कहाँ पे पढ़े हुए हैं सबसे पहले स्टार्ट हुआ था जो एडवर्ड स्वेस मॉडल थी तो एडवर्ड स्वेस मॉडल में ऑलरेडी आप लोगों ने देख के रखा हुआ है थर्मल कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी के जरिए कि यहाँ पर जो भी माउंटेन्स या लैंडफॉर्म डेवलपमेंट है वो किस तरीके से हुई हैं इसके बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने देख रखा है इसके अलावा हम लोगों ने वैगनर की थ्योरी देखी थी या फिर टेलर की थ्योरी देखी थी जहां से हम लोगों ने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के माध्यम से अगेन लैंड फॉर्म डेवलपमेंट को एक्सप्लेन करने की कोशिश किया बाकी सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी है जो कि लैंड फॉर्म इन द ओशियंस इसके बारे में डिस्कशन हो रखा था ओशियंस में किस तरीके के लैंड फॉर्म है ये हैरी हस ने बता दिया था फिर उसके बाद से प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में भी आपको लैंड फॉर्म डेवलपमेंट के बारे में एनफ इनपुट्स मिल गए थे इन सारी थ्योरीज़ को तो आपको इंट्रोडक्शन में इंट्रोड्यूस करना ही होगा जब भी आप आंसर राइटिंग करेंगे लैंड फॉर्म डेवलपमेंट से रिलेटेड इसके अलावा एक और आप फ्लो चार्ट जरूर बनाइएगा और ये फ्लो चार्ट बेसिकली रहेगा फैक्टर्स अफेक्टिंग लैंड फॉर्म डेवलपमेंट या जो भी फैक्टर लैंड फॉर्म डेवलपमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल है उसके बारे में यहाँ पर आप वही एन सी की जो फ्लो चार्ट है वो बना देंगे यहाँ पर जैसे यहाँ पर आप लिखेंगे इंडो जेनेटिक फोर्सेज और दूसरे साइड में एक्जो फोर्स एंडोजेनेटिक में फिर से दो पार्ट हो जाएगा एक हो जाएगी आपकी जो डायस्ट्रॉफिज्म है और दूसरे साइड में आपकी हो जाएगी जो सडन फोर्सेज है सिमिलरली डायस्ट्रॉफिज्म के फिर से दो पार्ट हो जाएंगे एक हो जाएगा जो एपीरोजेनिक फोर्स है और ओरोजेनिक फोर्स है सडन फोर्सेज में आपको पता है कि जो फोर्सेज हैं वो है जैसे अर्थक्वेक हो गई या वोल्केनो हो गया या फिर सुनामी हो गई लैंडस्लाइड ये सब जितनी भी फोर्सेज जो इंटीरियर ऑफ द अर्थ से स्टार्ट तो जरूर होती हैं बट दे आर वेरी रैपिड एग्जोजेनेटिव फोर्स में वो फोर्सेज आ जा जाते हैं जो बेसिकली सरफेशियल होते हैं जैसे कि विंड हो गई या फिर रिवर हो गया ग्राउंड वाटर हो गया ग्लेशियर हो गया या फिर ओशियंस हो गए एटसेट्रा तो हमारे पास ये एक फ्लो चार्ट है जो कि हमेशा आपको बनाना ही बनाना है साथ ही साथ में इन थ्योरीज का भी आपको मेंशन करना होगा जब भी आप आंसर राइटिंग कर रहे हो फिलहाल अगर देखें तो देखिए अर्थ हमारी कई सारे रिलीफ फीचर्स से कई सारी डाइवर्सिटी को लेकर के रखी हुई है यहाँ पर हमारे जो रिलीफ फीचर्स हैं वो माउंटेन हो सकते हैं या फिर प्लेटू हो सकते हैं या फिर प्लेन हो सकता है वैली हो सकती है कुछ भी हो सकता है वी हैव लॉट्स ऑफ डाइवर्सिटी विद रिस्पेक्ट टू रिलीफ फीचर और इसके लिए जो फैक्टर्स और प्रोसेस है इनको बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया कि इंडोजेनेटिक और एग्जोजेनेटिक फैक्टर्स होते हैं और जो प्रोसेस होती है उसमें कई सारी चीज़ें होती हैं जैसे कि हमारी डेनिडेशन वेदरिंग और इरोज़न इसमें भी जो फर्स्ट स्टेप होती है वो इरोजन आप बोल सकते हैं लेकिन इरोजन के साथ साथ एक और प्रोसेस होती है जिसको बोला जाता है डिपोजिशन तो डिपोजिशन भी साथ में हो रहा होता है दिस इज बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू फंक्शंस इसमें लैंड फॉर्म थ्यूरी लैंड फॉर्म डेवलपमेंट की जो थ्योरी दी गई थी वो सबसे पहले दी गई है डब्ल्यू एम डेविस विलियम मॉरिस डेविस के द्वारा विलियम मॉरिस डेविस को न्यूटन ऑफ जियो के नाम से भी जाना जाता है और साथ ही साथ में फादर ऑफ मॉडर्न जियो लॉजी ये एक अमेरिकन ज्योग्राफर थे और उन्होंने पहली फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी दिया है लैंडफॉर्म डेवलपमेंट को लेकर के कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी का मतलब क्या होता है देखिए लैंडफॉर्म डेवलपमेंट के बारे में अगर बात किया जाए दिस इज लैंडफॉर्म डेवलपमेंट शुरुआती दिनों में जिस तरीके से पर्सपेक्टिव इन ह्यूमन ज्योग्राफी में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि शुरुआत में क्या था कि साइंटिफिक इंक्वायरी चल रही थी किसी भी किसी भी इवेंट की सो साइंटिफिक इंक्वायरी चल रही थी बट इट वॉज नॉट एक्चुअली साइंटिफिक बिकॉज पीपल वर नॉट नोइंग एक्चुअली द फिजिकल लॉज तो जो भी फिजिकल लॉज भौतिक नियम है उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी लेकिन हाँ लोगों की जो टेंडेंसी थी वो साइंटिफिक जरूर थी साइंटिफिक का मतलब कि वो रीजनिंग करते थे क्वेश्चनिंग करते थे पूछते थे लेकिन इसके बाद से फेस चेंज होती है और डार्क एज आ जाता है यूरोप में डोमिन ऑफ चर्च हो जाती है जिसके कारण से जितनी भी साइंटिफिक इंक्वायरीज थी वो सारी की सारी यहीं पर डिस्ट्रॉय कर दी जाती हैं लेकिन फिर उसके बाद से रात के बाद सवेरा होता है और फिर रैनासा पीरियड आती है इस रैनासा के वा कारण से वापस से फिर से जो साइंटिफिक इंक्वायरी होनी होती है वो साइंटिफिक इंक्वायरी फिर से स्टार्ट हो जाती है और इस साइंटिफिक इंक्वायरी के बाद जो ज्योग्राफी एज अ सब्जेक्ट साइंटिफिक सब्जेक्ट निकल करके सामने आता है और यहीं से जो आपकी जो बर्नाल्ड वरेनियस है या फिर इमानुअल कांत है या फिर जो आगे के जोग्राफर्स होते हैं वो बेसिकली अपनी कंट्रीब्यूशन देना शुरू कर देते हैं दिस यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन अर्लियर लेक्चर्स। सेम जिस तरीके से यहां पर डेवलपमेंट हुई है उसी तरीके से लैंड फॉर्म डेवलपमेंट भी होती है जस्ट लाइक like डार्क एज में जिस तरीके से यहां पर ऑर्थोडॉक्स जहां पर ऑर्थोडॉक्स तो नेचर के जो भी रीजनिंग होती थी सेम वही लैंडफॉर्म डेवलपमेंट के लिए भी हुई और यहाँ पर ये बोलते थे कि ये कैटास्ट्रॉफिक इवेंट है बेसिकली कैटास्ट्रॉफिक इवेंट कि ये एक दैवीय आपदा के कारण से है या फिर बोल सकते हैं कि अर्थ के आपदा के कारण से डिजास्टर की वजह से दिस इज कैटास्ट्रॉफिक इन नेचर लेकिन फिर उसके बाद से इसमें डेवलपमेंट और होती है और इस डेवलपमेंट में हमारे पास कई सारी थ्योरीज आती हैं जस्ट लाइक हटन की एक थ्योरी आती है हटनस यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म इन्होंने सबसे पहली थ्योरी निकाली थी और इन्होंने कहा कि प्रेजेंट इज द की टू पास्ट मतलब कि प्रेजेंट इज की टू पास्ट अभी हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे भी की टू पास्ट इसको फिलहाल मैं यहीं पर इस, आ, इसको रोक रहा हूँ क्योंकि अभी हम लोग आगे नेक्स्ट लेक्चर में यही नेक्स्ट स्लाइड में यही देखेंगे हटन यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म के बारे में यू कैन से दिस इज द फर्स्ट फर्स्ट स्टेप फॉर साइंटिफिक डेवलपमेंट साइंटिफिक डेवलपमेंट ऑफ ज्योग्राफी और यहीं से लैंडफॉर्म डेवलपमेंट की जो साइंटिफिक इंक्वायरी है वो स्टार्ट होती है हटन की जो यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म थी उसको और साथ में फोकस मिल गया था डार्विन का डार्विन ने अपनी थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन निकाल दी थी हालांकि ये जो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन थी दिस वाज रिलेटेड विथ बायोलॉजी एंड इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन यहां पर जो है आदमी किस तरीके से आ रहा है उसके बारे में था बेसिकली लेकिन फिर भी ये जो डार्विन की थ्योरी थी वो कहीं ना कहीं हमारे इस लैंड फॉर्म डेवलपमेंट को भी इक्वली कंट्रीब्यूट कर रही थी इक्वली कह लीजिए कि इनपुट्स दे रही थी इसके अलावा फिर इसके और एक और थ्योरी आती है जिसको बोलाता है बेस थ्योरी ऑफ पावर बेस थ्योरी ऑफ पावल हालांकि ये जो थ्योरी बेस्ट लेवल बेस्ड थ्योरी ऑफ पावल है ये एंड को बताया था किसी भी लैंडफॉर्म डेवलपमेंट के लिए लेकिन जो डब्ल्यू एम डेविस हमारे साहब हैं इन डेविस साहब को जो बेसिकली इनपुट्स या फिर कह लीजिए इंस्पिरेशन मिली वो हट्टन से और साथ ही साथ में डार्विन से इन दोनों लोगों से इनको इंस्पिरेशन मिली और इन्होंने अपना जो थ्योरी ऑफ लैंड फॉम डेवलपमेंट है वो एक साइंटिफिक थ्योरी के रूप में बताया तो यहाँ से आपको एक आइडिया लग गया होगा बेसिकली कि, कि किस तरीके से हमारी पूरी की पूरी साइंटिफिक इंक्वायरी स्टार्ट हो रही है इस पूरी के पूरे थ्योरी में शुरुआती दिनों में जैसा भी हम लोगों ने देखा कि कैटास्ट्रॉफिक इंटरप्रिटेशन शुरुआती दिनों में इंटरप्रिटेट किया गया था लेकिन बाद में फिर डार्विन की थ्योरी आई थी और डार्विन की थ्योरी दैट इज द स्पीसी ऑफ ओरिजिन एंड कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लाइफ इन्होंने कैटास्ट्रॉफिक इंटरप्रिटेशन को चैलेंज किया और इस चैलेंज करने के कारण इसका मतलब क्या है इन्होंने कुछ प्रूफ दिए इन्होंने कुछ ड्राइविंग फोर्सेस दिए जिसके थ्रू इन्होंने बोला कि देखिए हमारी ये जो कैटास्ट्रॉफिक थ्योरी जो अभी तक हम लोग मान करके चल रहे हैं दिस इज एक्चुअली अ रॉन्ग इंटरप्रिटेशन फॉर द लाइफ एज वेल एज फॉर जियोग्राफिकल फिनमिनाज और इसके बाद से जब इन्होंने अपनी थ्योरी दी तो एक साइंटिफिक इंक्वायरी का जो माहौल था वो क्रिएट हो गया और इस तरीके से लोग अब साइंटिफिक इंक्वायरी फॉर ऑल काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स देखना शुरू किए चाहे वो लाइफ फॉर्मेट हो चाहे वो जियोलॉजिकल हो चाहे वो कोई भी हो हर जगह पर एक साइंटिफिक इंक्वायरी का माहौल स्टार्ट हो गया था जैसा कि क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन के दौरान में भी हुआ था यहाँ पर जो हमारे डेविस साहब हैं ये डार्विन के इस आइडिया से डार्विन के इस साइंटिफिक इंक्वायरी से इन्फ्लुएंस हुए इंस्पायर हुए और इन्होंने भी अपनी थ्योरी निकाल दी थ्योरी ऑफ जियोमार्फोलॉजी यहाँ पर इन्होंने बोला जस्ट लाइक इवोल्यूशन जहाँ पर लाइफ का इवोल्यूशन होता है वैसे ही हमारी जो लैंड फॉर्म है उनका भी इवोल्यूशन होता है जो लाइफ फॉर्म है उसमें ग्रेजुअल चेंजेस देखने को मिलती है तो लैंड फॉर्म में भी ग्रेजुअल चेंजेस हमें देखने को मिलती हैं तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ डार्विन इन्फ्लुएंस द ऑब्जेक्टिव ऑफ डेविस टू रिकंस्ट्रक्ट द हिस्टोरिकल पार्ट ऑफ लैंडफॉर्म एंड टू रीजन एंड डिस्क्राइब हाउ लैंडफॉर्म चेंज ओवर टाइम तो ये किस तरीके से आखिर में इवोल्यूशन आ रही है किस तरीके से डेवलपमेंट हो रही है ये सारा कुछ ही इस आ, हमारे डेविस साहब के द्वारा बताया गया था अब जो फर्स्ट थ्योरी है दैट इज द दटर्स यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं यहां पर देखिए इसकी का इस पूरी की पूरी थ्योरी का एक ही कह लीजिए सिंपल लाइन में आप इस चीज को सोच सकते हैं बता सकते हैं लिख सकते हैं दैट प्रेजेंट इज प्रेजेंट इज की टू पास्ट टू पास्ट इसका मतलब क्या है ये जो थ्योरी थी बेसिकली वो जियोलॉजिकल थ्योरी थी जियोलॉजिकल थ्योरी क्या बोला इन्होंने प्रेजेंट का मतलब ये है कि आज की डेट में कुछ ना कुछ फोर्सेस काम कर रहे होंगे चाहे वो इंडोजेनेटिक हो चाहे वो एग्जोजेनेटिक हो सिमिलरली पास्ट में भी वो फोर्सेस काम कर रहे होंगे चाहे वो इंडोजेनेटिक हो चाहे एग्जोजेनेटिक हो इन फोर्सेस के कारण से कोई ना कोई लैंडफॉर्म बन रहा होगा सिमिलरली इस फोर्स के कारण से भी कुछ लैंडफॉर्म बन चुका होगा क्योंकि ये पास्ट है अब आज की डेट में वॉट एवर लैंडफॉर्म यू आर ऑब्जर्विंग या फिर जो भी लैंडफॉर्म आज की डेट में आप ऑब्जर्व कर रहे हैं वो बेसिकली पुराना वाला लैंडफॉर्म है क्यों क्योंकि ये लैंडफॉर्म ऑलरेडी डेवलप हो गया और लैंडफॉर्म को डेवलप होने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम की ज़रूरत होती है हटन ने कहा कि देखिए किसी भी लैंडफॉर्म को आपको स्टडी करना है या आज के डेट में जो लैंडफॉर्म बन रहे हैं उसके बारे में अगर आपको स्टडी करना है तो देखिए आपको फोर्सेस पढ़ना पड़ेगा अब सीधी सी बात है आप पास्ट में जाकर के किसी भी इवेंट को स्टडी तो कर नहीं सकते हैं बिकॉज दिस इज़ नियरली इम्पॉसिबल टास्क ऑल्दो दिस इज नॉट इम्पॉसिबल बट इट इज नियरली इम्पॉसिबल तो आज की डेट में भी वही फोर्सेस लग रहे होंगे ऐसा मानना था इनका कि आज की डेट में वही फोर्सेस लग रहे होंगे जो पहले लगे होंगे तो जो पुराना लैंडफॉर्म है उसको आप स्टडी करिए आज के टाइम के फोर्सेस के साथ मतलब कॉम्बिनेशन आपका ये रहेगा दिस डायगोनल कॉम्बिनेशन विल अल्टीमेटली लीड टू द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड फॉर द फ्यूचर प्रोडिक्शन ऑल्सो तो ये जो थ्योरी थी हटन की थ्योरी इन्होंने कहा था कि यूनिफॉर्मेटेरियनिज्म ऑफ द फोर्सेज यानी कि वॉट एवर फोर्सेज आर एग्जिस्टिंग राइट नाउ आज की डेट में जो भी फोर्सेज लग रही हैं वो पहले भी लगा करती थी और पहले के कारण से जो लैंडफॉर्म डेवलप हुए हैं वो चीज आज की डेट में हम स्टडी कर सकते हैं और फ्यूचर प्रोडिक्शन कर सकते हैं ये पूरी की पूरी हटन की थ्योरी है तो आप फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं हमारी जो हटन की थ्योरी इन्होंने क्या कहा दिस वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिफाइंग कंसेप्ट ऑफ जियो साइंस ये स्टार्ट ये दी गई थी सॉरी सेवनटीन हंड्रेड के दौरान में और ये भी कैटास्ट्रॉफिक प्रोसेस को ही एक तरीके से चैलेंज कर रही थी और इन्होंने कहा कि देखिए दिस इज दिस कैटास्ट्रॉफिक प्रोसेस इट नॉट इट इज नॉट एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड फॉर्म दैट एग्जिस्टेड ऑन द अर्थ सरफेस इन्होंने कहा कि देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेज जो कि हमेशा लग रहे हैं जिसके कारण से और ये लॉन्ग पीरियड तक लग रहे हैं जिसके कारण से हमारी जो जियोलॉजिकल और जियोमॉर्फिक प्रोसेस है या फिर जो भी हमारी लैंडफॉर्म निकल करके आ रही है वो इस तरीके से सामने निकल के आ रही है जो वर्ड था ये बेसिकली 1832 में विलियम वेवल के द्वारा यूज किया गया था नाम याद रखिएगा विलियम again, वेवल अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं विलियम वेवल को ले करके इनका नाम यूनिफॉर्मेटेरियनिज्म के साथ में जोड़ करके आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है इन योर एग्जामिनेशन इन्होंने कहा कि देखिए जो अर्थ है बेसिकली वो कई सारे सुपर नेचुरल मीन्स से और कई सारे कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स के कारण से सही बातें मिलकर के बनी है इज इज दिस करेक्ट लेकिन जो हो चुका है उसके बारे में हम नहीं बोल सकते हैं एंड द कैटास्ट्रॉफिक इवेंट जो भी उस समय लगा हुआ था उसके बारे में हमें पता नहीं चल पाएगा बिकॉज वो आज की डेट में हम उसे ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं और अगर कर भी रहे हैं तो हम उसे स्टडी नहीं कर पाएंगे लेकिन स्टिल देयर आर सम फोर्सेस कुछ फोर्स जरूर हैं जिसके थ्रू हम लोग स्टडी कर सकते हैं लैंडफॉर्म को लेकर के और ये जो फोर्सेस है बेसिकली वो हमेशा से लग रहे हैं और इस तरीके से ये जो यूनिफॉर्मेटेरियनिज़म की थ्योरी थी वो ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन की गई जेम्स हटन के द्वारा और इसीलिए इसे हटन्स यूनिफॉर्मेटेरियनिज़म भी कहा जाता है सेवनटीन के दौरान में हटन प्रजेंटेड जो वहाँ की रॉयल सोसाइटी थी वहाँ पर जा करके के इन्होंने अपने पूरे के पूरे जो इंटरप्रटेशन था उसको इन्होंने बताया और उन्होंने कहा कि देखिए जो ये जिस तरीके से सॉइल की डेवलपमेंट होती है वन सेकेंड जिस तरीके से सॉइल की डेवलपमेंट होती है यानी कि जो सॉइल की हॉराइजन होती है सॉइल का जो स्ट्रेटा होता है उसको डेवलप होने में काफ़ी टाइम लग जाता है जैसे मान लीजिए कि आपकी जो कोई भी रॉक है रॉक के कारण से टूट करके आई टूटने के बाद फिर वो अपने आप को रीअरेंज करेगा और रीअरेंज करने के बाद आपको ए होराइजन बी होराइजन सी होराइजन डी होराइजन और रॉक स्ट्रेटा मिलेगी इट ये काफ़ी टाइम लगा है ये लॉन्ग प्रोसेस है सेम जस्ट लाइक दिस लॉन्ग प्रोसेस जो लैंडफॉर्म है ये भी इसी तरीके से अपने आप को अरेंज करती है हालांकि इस पर लगातार इरोजन और डीन्यूडेशन और जो डिपोजिशनल फोर्सेज हैं वो लगातार काम कर रहे हैं लेकिन अकीन इसमें भी कई सारा टाइम लगता है उन्होंने ये भी कहा कि जो भी सुपर नेचुरल थ्यूरीज है ये एक्चुअली नॉट नीडेड टू एक्सप्लेन द जियोलॉजिकल हिस्ट्री इन्होंने जो कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स थी उसको इन्होंने चैलेंज किया उन्होंने कहा कि दीज आर एक्चुअली नॉट इम्पॉर्टेंट क्योंकि इसको हम स्टडी नहीं कर सकते हैं और इसके थ्रू तो हम स्टडी कर भी नहीं पाएंगे जो भी हमारी जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ है हटन के जो आइडिया थे ये मेजरली जो हमारे चार्ल्स लिल साहब हैं इनके द्वारा बाद में चैलेंज भी किए गए थे इन्होंने चैलेंज ये किया इन्होंने कहा कि देखिए देयर आर फोर्सेस आज की डेट में मान लीजिए कोई फोर्स लग रहा है प्रेजेंट में कोई फोर्स लग रहा है तो आप जो ये बोल रहे हैं कि ये पास्ट में भी लगता था दिस इज वेरी जनरल और इस चीज को इंटरप्रेट करना इस चीज को पूरी तरीके से क्वाडिफाई करना ये सही नहीं होगा हो सकता है आज की डेट में कुछ अदर फोर्सेस लग रहे हो जो कि पहले ना लग रहे हो बिकॉज ऑफ हाई प्रेशर टेम्परेचर या फिर जो भी सोलर रेज आ रही हैं सोलर फ्लेयर्स आ रही हैं जिनके कारण से भी तो हमारे पास हो सकता है देयर मे बी सम फोर्सेस एग्जिस्टिंग टुडे बट दे वर नॉट देयर इन द पास्ट तो आज के डेट में जो फोर्सेस हो सकती हैं वो हो सकता है कि पहले न लगती हूँ लेकिन आज के डेट में लग रहा हो लेकिन फिर भी इन्होंने जो प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी अपनी बुक लिखी थी उसमें हट्टन का जो यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म था उसको पूरी तरीके से चैलेंज नहीं किया था इन्होंने कहा था कि देखिए हट्टन का जो आइडिया है वो एक्चुअली करेक्ट है लेकिन इन्होंने कैटास्ट्रोफिज्म की जो थ्योरी थी उसको रिजेक्ट किया था साथ ही साथ में इन्होंने, इन्होंने इसमें एक मोडिफिकेशन भी जोड़ा था और इन्होंने कहा था कि देखिए देयर मे बी सम फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल द लैंड फॉर्म डेवलपमेंट विच मे बी एग्जिस्टिंग टूडे और विच मे बी एग्जिस्टेड इन द पास्ट लेकिन वो आज की डेट में ऑब्जर्व हो सकता है na हो रहा हो बट स्टिल उसको ना तो हम देख सकते हैं ना तो हम उसके बारे में स्टडी कर सकते हैं दैट इज गुड इनफू टू स्टडी द लैंड डेवलपमेंट इस तरीके से जो यूनिफॉर्मेटेरियनिज्म की थ्योरी थी वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई थी ना सिर्फ केवल जियोलॉजी में बल्कि अदर स्ट्रीम्स ऑफ द साइंस ऑल्सो जियोलॉजी इज अ साइंस ये ध्यान में रखिएगा कि जियोलॉजी जो है वो जियोग्राफी नहीं है जियोलॉजी एक तरीके की साइंस है जब भी आप आई एफ ओ एस का एग्जाम देंगे फॉरेस्ट्री का एग्जाम देंगे फॉरेस्ट का एग्जाम देंगे वहां पर जियोलॉजी एक सब्जेक्ट रहता है बिकॉज दिस इज अटिफिक सब्जेक्ट क्लियर तो यहां पर ये जो साइंस थी वो बेसिकली अदर आइडियाज मतलब इससे रिलेटेड जो आइडियाज थे वो अदर डिसिप्लिन ऑफ द साइंस में भी जाना शुरू हो गया और यहां से चार्ल्स डार्विन और अल्फ्रेड वैलेस ने इस यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म थ्योरी का यूज किया और अपनी जो बायोलॉजिकल साइंस थी ओरिजिन ऑफ अर्थ स्पीसी की जो साइंस थी उसमें यूज किया व्हाट डज दिस मीन अब देखिए जो हमारे डार्विन साहब थे इनको भी अभी तक यही पता था कि जो ह्यूमन का इवोल्यूशन है वो किस तरीके से हुआ है नो no आइडिया इन्होंने अपनी एक थ्योरी प्रोपाउंड जरूर कर रखी थी बट यहाँ पर कोई भी इनके पास ड्राइविंग फोर्स नहीं मिल पा रहा था जिसके थ्रू वो बता पाए कि हमारी थ्योरी कैसे करेक्ट है या फिर कैसे रॉन्ग है तो इनको एक आइडिया मिल गया था यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म के जरिए इन्होंने कहा कि देखिए जो ह्यूमन है ये बेसिकली या तो ये मंकी से निकल कर के आया है या फिर ये फिश से निकल के आया है या फिर ये कहीं से भी निकल कर के आया है लेकिन ये जो चेंजेस हुए हैं दे आर ग्रेजुअल एंड दे आर जो फोर्सेज हैं जो भी कंडीशन है दे आर एग्जिस्टिंग इवेंट टूडे आज की डेट में भी होंगे तो इस तरीके से इन्होंने इन स्पीसी को स्टडी किया और इसको ह्यूमन के साथ में रिलेट करने की कोशिश की और इन्होंने कहा कि द थ्यूरी ऑफ यूनिफॉर्मेटेरियनिज्म इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन ये एक्चुअली इवोल्यूशन को निकलता है और इस तरीके से इन्होंने एक नई थ्यूरी प्रोपॉइंट की थ्यूरी ऑफ थ्यूरी ऑफ इवोल्यूशन अब ये जो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है जो कि एक्चुअली एक बायोलॉजिकल थ्योरी है ये एक बायोलॉजिकल थ्योरी आगे जाकर के एक जियोलॉजिकल थ्योरी बन गई और जियोलॉजिकल थ्योरी का यूज किया गया लैंड फॉर्म डेवलपमेंट को स्टडी करने के लिए किसके द्वारा डब्ल्यू एम डेविस के द्वारा आई गेस आपको एक चीजें क्लियर हो रही होंगी क्या सिस्टम है सेम वैसे ही इन्होंने एक और साहब थे हमारे अल्फ्रेड वॉलेस इन्होंने भी सेम इसी तरीके के ये जो यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म का कॉन्सेप्ट है इनको भी स्टडी किया और इन्होंने अपने इन्वायरमेंटल या फिर कह लीजिए कि बायो जियोग्राफी में इन्होंने इसको यूज किया कहा पर जू जियोग्राफिक प्रोविंस में जू जियोग्राफिक प्रोविंस में आप लोगों ने देखा होगा जू जियोग्राफिक प्रोविंस का अगर आप लोगों ने मैप देखा होगा तो वहां पर कई सारे छोटे छोटे एसपीसी या फिर कह लीजिए कैटेगरी बताई गई है और वहां पर ऑस्ट्रेलिया के पास में इस तरीके से एक लाइन खींचा गया है जिसका नाम है वॉलेस लाइन वॉलेस लाइन ये वॉलेस लाइन यही अल्फ्रेड वॉलेस के द्वारा ही खींची गई थी और उन्होंने बताया कि दिस इज द लाइन ऑफ इवोल्यूशन जहां पर हमारी जो एस है बेसिकली वो अपने इस इवोल्यूशन के थ्रू जा रही है क्लियर आगे बढ़ते हैं वन सेकेंड इरेज इट यस दस सजेस्ट दैट कंटिन्यूइंग यूनिफॉर्मिटी ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोसेस शुड बी ज द फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग द जियोमॉर्फिक एंड जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ और जैसा कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि इन थ्यूरीज का आगे यूज किया जाना शुरू हो गया था लैंड फॉर्म डेवलपमेंट और उसकी इवोल्यूशन से रिलेटेड तो इस तरीके से जो हमारी डार्विन की थ्यूरी है वो अब सामने आती है डार्विन की थ्यूरी को देखिए कभी भी आप इस तरीके से क्लासीफाई मत करिएगा कि दिस इज अजिकल थ्यूरी दिस इज नॉट एक्चुअली एक जियोलॉजिकल थ्योरी ये जियोलॉजिकल थ्योरी नहीं है ये एक बायोलॉजिकल थ्योरी थी जिसका यूज़ किया गया था डब्ल्यू एम जो हमारे डेविस साहब हैं उनका उनके द्वारा जियोमार्फोलॉजी में जो आइडिया था बेसिकली वो एक्सप्लेन किया था कि किस तरीके से जो ऑर्गेनिज्म है या फिर जो लाइफ है वो चेंज हो रही है ये चेंज जो है अनेग्जीमेंडर के द्वारा शुरुआती दिनों में स्टार्ट किया गया था इसको थेल्स ऑफ मिलेटियस भी बोला जाता है आप लोगों ने इसे पर्सपेक्टिव इन ह्यूमन जोग्राफी में पढ़ा होगा ये ग्रीक फिलोसफर थे जो कि स्टडी कर रहे थे कि हाउ ह्यूमन ह्यूमन बेबीज आर बॉर्न हेल्पलेस इन्होंने स्पेकुलेट किया था कि जो भी नए क्रिएचर हैं बेसिकली जो हमारी मान लेते हैं कि ह्यूमन बेबीज हैं दे आर एक्चुअली डिराइव्ड फ्रॉम सम अदर स्पीसी ये स्पीसी आपकी मंकी भी हो सकती है ये स्पीसी फिश भी हो सकती है कोई भी हो सकती है इनफैक्ट द डिबेटेबल पॉइंट्स आर कि या तो ह्यूमन मंकी से निकल के आए या फिर फिशे से निकल के आए हैं क्योंकि इसमें कई सारे वेस्टिजियल ऑर्गन्स ऐसे हैं जो कि बेसिकली ह्यूमन्स के साथ में मैच करते हैं तो यहाँ पर डिबेट है ऑल द मोस्ट एक्सेप्टेड फैक्ट यही है कि इन uh, जो ह्यूमन्स है दे आर डिराइव्ड फ्रॉम मंकीज़ तो ये सिस्टम माना जाता है बट स्टिल देयर इज अ डिबेट देर आर समर एविडेंसिस ऑल्सो जिसके बेसिस पे दैट इज दैट इज एक्चुअली बायोलॉजिकल पार्ट तो हम लोग उसमें नहीं जा रहे हैं वी आर स्टडिंग जियोग्राफी थिंग तो उसमें जो भी रिलेटेड या जो कुछ भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है वो हम लोगों ने स्टडी कर लिया एनेक्जी मैंडर ने कहा कि देखिए द ह्यूमन्स मस्ट हैव डिसेंडेड फ्राम सम अदर स्पीसी ऑफ द क्रिएचर जिसके बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया इन्होंने इनका जो थ्यूरी था मतलब इनका जो आइडिया था नेचर में इन्होंने कहा कि देखिए रिग्रेस टेस्टिंग थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट डिजाइन टू प्रूव द आइडिया राइट या रॉन्ग तो हमें क्या है लगातार टेस्टिंग करनी होगी दिस इज क्वाइट सिंपल थिंग साथ ही साथ में इन्होंने कहा कि देखिए जो इवोल्यूशन ऑफ लाइफ है ये आ, ए, आ, मतलब कि ये जो होता है कई सारा बहुत टाइम लेती है और इसमें काफ़ी डिफरेंट एस्पेक्ट्स आएंगे यानी इसमें जब भी कोई भी ग्रेजुअल प्रोसेस होगी यहाँ पर हमें कई तरीके के इवोल्यूशंस uh, देखने को मिलेंगे और ये इवोल्यूशंस ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म के लिए रहेंगे और इसमें कई सारे स्टेजेस आएंगे यानी कि वी विल सी सम ऑफ द डेवलपमेंट जैसे कि इन्वायरमेंट को थोड़ा समय मैं यहाँ पर लिंक करूंगा ताकि आपको आइडिया एक अच्छे से लग जाए आपको पता है कि एक होती है प्राइमरी स्पीसी एक होती है जो प्राइमरी स्पीसी होती है या फिर इसी को आप बोल सकते हैं कि दिस इज पाइनियर स्पीसी ठीक है, जो शुरुआती दिनों में होती है इसमें जब भी कोई चेंज करेंगे आप चाहे वो क्लाइमेटिक चेंज करें या फिर उसकी जो जियोग्राफिकल चेंजेस है या फिर उसकी हैबिटाट चेंज है कोई भी अगर चेंज करेंगे तो इट विल लीड टू सक्सेशन ये सक्सेशन में चला जाएगा सक्सेशन भी अगेन दो तरीके की होती है भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एक प्राइमरी सक्सेशन होती है और एक होती है सेकेंडरी सक्सेशन अब इसमें हम लोग डिस्कशन इसके ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे लेकिन हाँ प्राइमरी स्पीसी में जब भी कोई भी अगर चेंज करेंगे पाइनियर स्पीसी में जब भी कोई चेंज करेंगे ऑब्वियसली इट विल लीड टू सम ऑफ द चेंजेस अब ये चेंज जो होगा वो आपस में भी कंपीट करेगा क्यों टू अचीव टू अचीव मोस्ट या फिर कह लीजिए टू अचीव इंट्रॉपी इंट्रॉपी का मतलब रैंडमनेस या फिर कह लीजिए कि स्टेबिलिटी को ये अचीव करने की कोशिश करेगा और स्टेबिलिटी के दौरान में अल्टीमेटली ऑब्वियसली कोई ना कोई एक क्लाइमैक्स तो इसको मिल ही जाएगा मतलब कि कोई ना कोई एक फाइनल स्पीसी मिल जाएगा लेकिन इस फाइनल स्पीसी को खोजने के लिए फाइनल स्पीसी को अचीव करने के लिए यहाँ पर कई सारे स्पीसीज आएंगे नंबर वन नंबर टू थ्री फोर फाइव डॉट 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 कई सारे स्पीसी आएंगे इसके पास में अब ये जो स्पीसी आ रहे हैं इनको बोला जाता है सीरीज़ क्लियर ये आप लोगों ने इन्वायरमेंट में पढ़ा होगा द सेम थिंग वी आर डिस्कसिंग अगेन यहाँ पर जब भी कोई लाइफ कोई भी लाइफ फॉर्म है या कोई भी चीज़ है जब भी उसमें अगर आप चेंज करेंगे और ये चेंज कंटिन्यूस हो रही है बिकॉज ऑफ सम क्लाइमेटिक जियोग्राफिकल बायोलॉजिकल अदर मीन्स तो इस चेंज के कारण से होगा क्या कि बहुत सारे सीरीज आएंगे सामने और ये सीरीज को आप डिफरेंट स्टेजेस भी बोल सकते हैं और इसके बाद अल्टीमेटली एक फाइनल स्पीसी आएगा फाइनल स्पीसी जिसको क्या आप बोल सकते हैं कि क्लाइमैक्स है और इस बीच में जो कुछ भी चेंजेस हुए दे आर एक्चुअली वेरी ग्रेजुअल इन नेचर दे आर लॉन्ग टर्म एंड दे आर इवोल्यूशनरी यानी कि जो भी चीज आगे निकल के आएगा दैट विल बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम द पाइनियर स्पीसी तो ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है वो डार्विन ने ही शुरुआती दिनों में बताया था हालांकि बाद में इसका कई सारा इंपैक्ट और सामने निकल करके आया था तो यहां से जो सिस्टम निकल के आती है द इवोल्यूशनरी थ्योरी बट दिस इवोल्यूशन डिड नॉट रीच द स्टेटस ऑफ बींग साइंटिफिक थ्योरी एंटिल डारविंस ग्रैंडसन ये सब यहां पर देखिए किसी काम लायक नहीं है ये सब जो है काफी ज्यादा डिटेल्ड है तो दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट यू कैन डायरेक्टली स्किप इट एंड इन द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस मोर ऑफ अच्छा एक चीज यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि जो भी यहां पर इवोल्यूशन हो रहा है इस इवोल्यूशन में कभी भी देखिए इंटरफियर नहीं करना है अगर इंटरफियर करेंगे तो ऑब्वियसली देयर विल बी अनदर सक्सेशन, एक और सक्सेशन स्टार्ट हो जाएगी और एक बार फिर से नई इवोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगी और ये इवोल्यूशन विल हैव फैक्टर्स ऑफ नेचुरल एज वेल एज एंथ्रोपोजेनिक और इस कारण से जो क्लाइमेक्स निकल करके आएगा दैट विल बी इंटायरली डिफरेंट अगेन जैसे कि जेनेटिक स्पीसी के बारे में आप लोगों ने देखा होगा जेनेटिकली मॉडिफाइड जो प्लांट्स होते हैं स्पीसी होते हैं उसमें नेचुरली भी होती है साथ ही साथ में मैनमेड भी होती है और इस तरीके से हमें हम ये सोच करके बनाते हैं कि ये कम वाटर में कम इरिगेशन में अच्छा प्लांट देगा लेकिन उस पर फिर एक नेचुरल फैक्टर आ जाती है जिसके कारण से बॉलवॉम अटैक हो जाता है या फिर कोई पेस्ट अटैक हो जाता है तो उसका एक अदर Uh, इस अदर इफेक्ट सामने निकल के आता है तो अगेन जो हम लोग सोचे होते हैं वो पूरी तरीके से सामने नहीं आता और इसी वजह से इसकी पायलट प्रोजेक्ट के बेसिस पे हम लोग शुरुआती दिनों में इसको ऑब्जर्व करते हैं दस पंद्रह साल तक फिर उसके बाद से जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप होती है उनको फाइनल लाइसेंस दे करके अल्टीमेटली इसको एग्रीकल्चरल लैंड पे पुट कर दिया जाता है इसी वजह से काफ़ी टाइम भी लगता है जितने भी हमारे पास जीएम क्रॉप हैं चाहे वो बीटी टी ब्रिंजल हो या फिर कॉटन हो या जितनी भी हमारे पास है शुगर केन हो इन सबको अभी इसीलिए ट्रायल फेज में रखा गया है बिकॉज वी आर स्टडी द आफ्टर इफेक्ट ऑफ दिस प्लांट क्लियर तो ये पूरी की पूरी थ्योरी, इनफैक्ट अगर आप इन्वायरमेंट की भी कोई थ्योरी आती है तो आप डार्विन का आ, नाम लेकर के डार्विन का एक्सप्लेनेशन देकर के उस पूरी चीज को आप डिस्कस कर सकते हैं देखिए द डिस्कशन दैट वी आर डूइंग राइट नाउ दिस शुड नॉट बी लिमिटेड टू ज्योग्राफी ओनली दिस शुड बी टू एवरीथिंग आप कोशिश ऐसा करिए कि आप इनपुट्स लीजिए चाहे वो जीएस में यूज रहे हो चाहे वो ज्योग्रफी में यूज रहे हो चाहे वो कहीं पर भी यूज शुड नॉट बी लिमिटेड ओके ना आगे अगर देखा जाए तो देखिए यहां पर इन्होंने कहा कि अब देखिए जो मोस्ट जो सर्वाइव कौन करेगा जो कि एक सिस्टम स्टेबल होगा स्टेबल होगा तो इट विल ग्रो टू मैच्योरिटी एंड इट विल रिप्रोड्यूस ऑब्वियसली दोज दैट आर लैकिंग इन सच फिटनेस अल्टीमेटली वो क्या होगा एक समय के बाद में अल्टीमेटली वो खत्म हो जाएंगे और फिर नेचुरल सेलेक्शन नहीं हो पाएगा इनका तो नेचुरल सेलेक्शन इज समाइम समडअप एज द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट यानी कि जो भी स्टेबल होगा उसी का केवल सर्वाइवल हो पाएगा बिकॉज द फिटेस्ट ऑर्गेनिज्म दो मोस्ट स्यूटेड टू देयर इन्वायरमेंट आर द वंस हु दैट रिप्रोड्यूस मोस्ट सक्सेसफुली एंड दिस तरीके से हमारी जो जनरेशनल चेंजेस है वो सामने आती है तो so डार्विन की थ्योरी आप लोगों को क्लियर हो गई होगी दो थ्योरी हम लोगों ने देख लिया एक हटन्स की जो यूनिफॉर्मिटेरियन थ्योरी है और हम लोगों ने डार्विन की थ्योरी देख लिया जब भी आपको लैंडफॉर्म डेवलपमेंट या फिर डेविसियन थ्योरी के बारे में बताना होगा तो आप तीन थ्योरी को दिखाएंगे एक तो हटन की थ्योरी दूसरी डार्विन की थ्योरी और तीसरी थ्योरी जो आप दिखाएंगे वो रहेगा पावल की थ्योरी पावल ने बेस लेवल की थ्योरी दिया था इसका मतलब क्या है समझिएगा देखिए कोई भी लैंडफॉर्म जो है उसका मेन काम क्या होता है उसका मेन काम होता है कि कोई ना कोई एक स्टेबल पोजीशन को अचीव करना इस स्टेबल पोजीशन को अचीव करने के लिए इरोज़न भी होते रहता है साथ ही साथ में इस पर डिपोजिशन भी होता रहता है या इन शॉर्ट कहिए कि यहाँ पर जो फैक्टर्स हैं जो फैक्टर्स हैं इंडोजेनेटिक हो चाहे वो एक्जो वो कंटिन्यूसली काम करते रहते हैं जिसके कारण से इस पर इस पर डेवलपमेंट होती रहती है लेकिन एक पॉइंट ऐसा जरूर आएगा जहां पर इन फोर्सेस का भी अब कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा मतलब अब ये सैचुरेट हो जाएगा दो सैचुरेटेड इफेक्ट जो होता है उसी को बोला जाता है बेस लेवल अचीवमेंट ये बेस लेवल अचीव हो जाता है बेस लेवल का मतलब ये हो गया कि अब इस पर इरोजन हो चाहे डेन्यूडेशन हो चाहे डिपोजिशन हो चाहे कोई भी फैक्टर्स कोई भी फोर्स कुछ भी लग रहा हो अब ये चेंज नहीं होगा तो दिस विल सर्टेनली हैव अ स्टेबल स्ट्रक्चर और ये स्टेबल स्ट्रक्चर ये अल्टीमेटली एक बेस लेवल होगा यानी कि आप यहां से ये कंक्लूड कर सकते हैं कि पावल का जो थ्योरी था वो बेसिकली पावल ने एक बात कही कि हर एक लैंडफॉर्म का अल्टीमेट गोल है टू अचीव इट्स बेस लेवल बिकॉज क्या है आप एक तरीके से ये बोल सकते हैं कि हर एक लैंडफॉर्म का जो अल्टीमेट एम होता है टू गेट द स्टेबिलिटी and stability will come only after achievement of the base level then you can say ki jo landform form hai uska ultimate goal hai achievement of base level clear तो यही चीज़ यहाँ पर हमारे पॉवल साहब के द्वारा भी कहा गया कि कहा इन्होंने ये एक अमेरिकन जो लॉजिस्ट थे और इन्होंने आइडिया ऑफ बेस लेवल के बारे में बताया था हिस कंसेप्ट ऑफ बेस लेवल हैज़ बीन यूज इन जियोमार्फोलॉजी एंड हाइड्रोलॉजी क्योंकि यहाँ पर इन्होंने स्ट्रीम चैनल्स वगैरह के बारे में बात किया था स्ट्रीम चैनल का मतलब कि इन्होंने जो होता है रिवर के इफेक्ट को ही बेसिकली स्टडी किया था बेस लेवल क्या होता है बेस लेवल का मतलब होता है कि लोवेस्ट लेवल ऑफ लैंड अब लोवेस्ट लेवल जो होगा वो सीधी सी बात है कुछ इस तरीके का होगा इसको बुलाता है कॉन्वेक्सो कॉनकेव स्ट्रक्चर ठीक है या फिर इसको प्लेन भी आप बोल सकते हैं कि दिस इज कॉन्वेक्स सो कॉन्केव प्लेन और यही बेसिकली इसी को कई बार मोनाइड नॉक के नाम से भी जाना जाता है जो कि रिवर के कारण से बनती है और विंड के कारण से भी हालांकि बनती है लेकिन मोनाइड नॉक को डेविस के द्वारा बताया गया तो आप लोग या ध्यान रखिएगा कि ये रिवर के कारण से है और या फिर इसी को बोल सकते हैं दिस इज द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर ये स्टेबल स्ट्रक्चर हो जाती है सी लेवल इज कंसिडर्ड टू बी द ग्राउंड बेस लेवल सी लेवल जो होती है उसी को हम लोग ग्राउंड बेस लेवल मान करके काम करते हैं हालांकि ये जस्ट एक अजम्पशन है ये कोई एब्सल्यूट नहीं है दिस इज जस्ट अजम्पशन एंड द लैंड कैन नॉट बी इरोडेड वी मे ऑल्सो हैव अ लोकल और टेम्पररी पर्पज अदर बेस लेवल ऑफ इरोजन विच आर द लेवल ऑफ बेस बेड ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रीम कैरिंग द प्रोडक्ट ऑफ इरोजन दिस इज नॉर्मल थिंग कोई इसमें ज़्यादा बताने की चीज़ नहीं है पॉवेल ने कहा देखिए तीन तरीके के हमारे पास बेस लेवल हो सकते हैं वो भी अलग अलग जगहों पे जैसे कि एक इन्होंने बोला था ओशियन के कारण से बेस लेवल दूसरा इन्होंने बोला कि नॉर्मल जो लैंडवर्ड होती है और तीसरा इन्होंने बोला था जो एक इमेजनरी स्लोप लाइन ऑफ ए स्ट्रीम होती है तीनों के बारे में अगर देखेंगे तो ग्रैंड बेस लेवल इज द सी लेवल फॉर सब एरियल इरोजन एनी चेंज इन सी लेवल कैन ब्रिंग अ चेंज टू ग्रैंड बेस लेवल तो यहां पर जो भी टेक्टोनिक एक्टिविटी है या जो आइसोस्टेटिक चेंज है इसके कारण से सी लेवल में सबमर्जेंस या इमरजेंस होगा और अल्टीमेटली इसके कारण से हमें एक फाइनल बेस लेवल मिलेगी तो ये बेस लेवल बेसिकली आप बोल सकते हैं कि दिस इज ऑन ब्रॉड स्केल ओशियनिक स्केल पर होगी दूसरा जो है वो लोकल और टेम्पररी बेस लेवल है जहां पर चैनल में ड्रेन इनटू अ लेक और लूज इट्स इरोजन कैपेसिटी ये एक लोकल लेवल पे है या एक नॉर्मल छोटे लेवल पे आप बात कर सकते हैं इसे यहाँ पर जैसे चैनल मॉर्फोलॉजी हो गई रिवर ग्रेड हो गया इनके बारे में यहाँ पर आप बात कर सकते हैं तो रिवर इसी तरीके से यहाँ पर बोला गया है कि रिवर में काउंटर सॉफ्ट एंड हॉर्ट बेड रॉक ड्यूरिंग इट्स कोर्स और इस तरीके से जब सॉफ्ट रॉक के पास में जाएगा तो सीधी सी बात है उसको तोड़ देगा लेकिन जो हार्ड रॉक के पास जाएगा वहां पर ये अपनी पोजीशन को चेंज करेगा अल्टीमेटली यहां पर एक टेम्प्री बेस लेवल अचीव होगा जो कि बाद में बाद में विद द टाइम ये एक परमानेंट सिस्टम भी हो सकता है अब जैसे एंथ्रोपोजोपिनिक एक्टिविटीज होती हैं जहाँ पर हम डैम वगैरह बिल्ड कर देते हैं है, मैन जो है वो डैम वगैरह बिल्ड कर देता है जहाँ पर रिवर अगेन जो होती है वो एक लोकल बेस लेवल अचीव करने की कोशिश करती है तो इस तरीके से यहाँ पर सिस्टम होता है एक चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि देखिए जब भी रिवर बेस लेवल अचीवमेंट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वहाँ पर हम लोग ये मान के चलते हैं कि देखिए जो रिवर का वॉल्यूम है देट इज़ कॉन्स्टेंट एंड दैट इज कंटिन्यूसली फ्लोइंग अब यहां पर फ्लडिंग कंडीशन आ जा रही है या फिर ओवर हो जा रहा है इस कंडीशन को अवॉइड किया जाता है बिकॉज इट विल अल्टीमेटली लीड टू न्यू टाइप ऑफ बेस लेवल क्योंकि यहां पर देखिए कंडीशन बदल चुकी है एंड द कंडीशन इज इंडोजेनेटिक इन नेचर क्योंकि सडन फोर्सेज आ रही है वो अलग रिस्पॉन्सिबल रहेगी तो दैट हैज सम डिफरेंट इफेक्ट वी आर नॉट कंसिडरिंग दैट इफेक्ट इन टू द पॉवर्स थ्यूरी ऑफ बेस लेवल गेटिंग द पॉइंट ओके जो थर्ड थ्योरी आती है वो बेसिकली ये बोलती है कि एक इमेजिनरी स्लोपिंग सरफे की स्ट्रीम जो होती है वो कोशिश करेगी अचीव करने की और ये बेसिकली कैम्बेल के द्वारा बाद में हम लोग डिस्कस भी करेंगे इनके जो भी इनकी बेस लेवल है उसके बारे में इन्होंने कहा था कि एक इमेजिनरी स्लोपिंग सरफेस आगे जा करके आएगी जिसको कि हम लोग प्लेन बोलेंगे अब ये प्लेन और जो कैम्बेल है इनके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे कैम्बेल हो गए क्रिकमे हो गए हम लोग काफ़ी कुछ अभी डिस्कस करने वाले हैं लॉट मोर थ्योरीज टू बी डिस्कस्ड। अब इन सारी थ्योरी के बाद में जो मेन थ्योरी हमारी आती है जिसको बेसिकली हमें स्टडी करना है वो है हमारी डेविस की थ्योरी तो फटाफट डेविस की थ्योरी को हम लोग देख लेते हैं डेविस की थ्योरी के बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया है कि ये एक अमेरिकन ज्योग्राफर थे जो कि अपनी पहली फर्स्ट एवर लैंडफॉर्म डेवलपमेंट की थ्योरी दिए थे जो कि ये काफी कॉम्प्रिहेंसिव थी मतलब कि इन्होंने स्टेप बाय स्टेप रीजन रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स एवरी जो है सब कुछ यहाँ पर डिस्कस किया गया था इज हमारे विलियम मॉरिस डेविस के द्वारा इन्होंने अपने थ्योरी को बेसिकली तीन पॉइंट में इन्होंने कहा एक तो इन्होंने कहा कि कंप्लीट साइकिल ऑफ रिवर लाइफ दूसरी जियोलॉजिकल साइकिल जो कि 1899 में पब्लिश हुई थी और तीसरा इन्होंने स्लोप इवोल्यूशन के नाम पर बोला था ही पॉस्टुलेटेड द साइकिल ऑफ प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ इरोजनल स्ट्रीम वैलीज अंडर द इनल्ट ऑफ कंप्लीट साइकिल ऑफ रिवर साइकिल तो देखिए यहां पर कुछ खास है नहीं और ये जस्ट लाइक इंट्रोडक्टरी लाइंस हैं जिसको आप लोग ध्यान रखिएगा क्योंकि यहां पर ऐसा समझने के लिए कुछ नहीं है समझने के लिए यहां पर है दे आर सिक्वेंशियल चेंजेस जो कि डेविस ने बोला था अब देखिए डेविस का मॉडल तीन थ्योरी को मैं जरा लिंक करता हूं, से, और आप लोग समझिएगा इवोल्यूशनरी है। है? और तीसरी थ्योरी है बेस लेवल की थ्योरी जो कि पावल ने दी थी बेस लेवल अब देखिए डेविस ने जो कंसीडर किया था वो किया था रिवर एंड इट्स लैंडफॉर्म्स और इसके बेसिस पे इन्होंने ही जनरलाइज कर दिया था सारे के सारे लैंडफॉर्म के बारे में अब यहां से रिवर के बारे में आप लोगों को पता है कि रिवर जो होता है वो बेसिकली तीन स्टेज से होकर के गुजरती है एक होती है जो इसकी यंग स्टेज होती है दूसरी होती है जो इसकी मैच्योर स्टेज होती है और तीसरी होती है जो इसकी ओल्ड स्टेज या फिर जिसे आप सेनाइल स्टेज भी बोल सकते हैं यंग स्टेज के दौरान में क्या होती है कटिंग काफी ज्यादा होती है यानी कि यहाँ पर जो है वैली डीपनिंग होती है वी शेप वैली वगैरह बन जाती है मिडिल में क्या होता है या फिर मैच्योर में क्या होती है कटिंग भी होती है साथ ही साथ में डिपोजिशन भी स्टार्ट हो जाता है यानी कि रिवर डीपनिंग एज वेल एज वाइडनिंग दोनों ही काम हो रहा है जबकि सेनाइल में क्या होता है केवल और केवल डिपोजिशन हो रही है क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा कुछ खास स्पीड नहीं बचा है कि वो इरोजन कर सके तो ये बेसिकली मेन थ्योरी है या फिर कह लीजिए कि रिवर के कारण से जो लैंडफॉर्म्स बन रहे हैं अब डेविस की थ्योरी हमें पता है कि हटन की थ्योरी डार्विन की थ्योरी और पॉवल की थ्योरी पर ही बेस्ड थी या फिर इंस्पायर्ड थी अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये इंस्पिरेशन कैसे कहां दिख रही है कैसे दिख रही है देखिए यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म के जरिए इन्होंने बोला कि जो फोर्सेज लग रहे हैं द फोर्सेज विच आर एक्टिंग राइट नाउ दे आर एक्चुअली वर एक्टिंग इन द पास्ट ऑल्सो एंड दैट इज वाई जो आज की डेट में हमें रिवर के कारण से लैंडफॉर्म दिख रहा है वो पहले भी लग रहा होगा आज भी लग रहा है और इसी तरीके से कंटिन्यूसली होता रहेगा यानी कि जो लैंडफॉर्म है ये ग्रेजुअल प्रोसेस है और काफी टाइम टेकिंग प्रोसेस है इट विल सर्टेनली लीड टू न्यू टाइप ऑफ लैंडफॉर्म इफ वी डू नॉट चेंज एनी तो जब भी कोई रिवर आएगी कुछ भी आएगा तो इस तरीके से चेंजेस आएगा इस तरीके से यूनिफॉर्मेटेरियनिज्म की थ्योरी इन्होंने यूज किया था इवोल्यूशन के बारे में तो ऑलरेडी आप लोग समझ चुके हैं कि लैंडफॉर्म इज अ टाइप ऑफ लाइफ एंड जहां पर इसमें भी इवोल्यूशन होंगे क्योंकि चेंज हो रहा है फैक्टर्स चेंज हुए हैं बेस लेवल ये इनका भी अल्टीमेट गोल था क्योंकि देखिए रिवर भी जो होती है वो अल्टीमेटली एक प्लेन सरफेस बनाती है इरोजन एंड डिपोजिशन के बाद अल्टीमेटली एक अचीवमेंट ऑफ द लैंडफॉर्म कोशिश की जाती है अचीव हो जाए तो इन पूरी थ्यूरीज का यूज किया गया था डार्विन के द्वारा अब यहाँ पर जो भी ये सिक्वेंशियल चेंजेस आ रहे थे लैंडफॉर्म में टाइम के साथ में इसे इन्होंने वन बाय वन करके डिस्कस किया और इन्होंने कहा कि जो एंड प्रोडक्ट है दैट इज द बेस लेवल एक्चुअली उसे इन्होंने पेनी प्लेन का नाम दिया बेसिक गोल जो था डिविशियन मॉडल का वो था लैंडफॉर्म डेवलपमेंट को एक्सप्लेन करना और इसके लिए इन्होंने एक सिस्टमैटिक डिस्क्रिप्शन और जो जनरल क्लासिफिकेशन है वो दिया हुआ है इन्होंने कहा कि ये ध्यान में रखिएगा ऑर्डरली मैनर में इन्होंने बोला हुआ है यानी कि स्टेप बाय स्टेप ऑर्डरली का मतलब यही होता है स्टेप बाय स्टेप एज अ प्रोसेस यानी कि एक यहाँ पर प्रोसेस काम कर रही है कोई ना कोई साइंटिफिक फैक्टर होगा फोर्स होगी जिसके कारण से कोई ना कोई प्रोसेस काम कर रही होगी और भी थ्रू टाइम यानी कि ये टाइम बाउंड है दिस इज टाइम बाउंड यानी कि आपको एक टाइम इंटरवल मिलेगा जिसमें एक स्टेज डेवलप होगी अल्टीमेटली जो यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्सेज हैं वो तो लग ही रहे हैं इसमें कुछ ज्यादा बताने और कहने की कोई बात सच नहीं है डीशन ऑर्डर सिक्वेंस इसमें कोई दिक्कत नहीं है तो ये बेसिकली तीन फंक्शन है जिसके थ्रू आप इस पूरी की पूरी थ्योरी को बता सकते हैं कह सकते हैं कि दिस इज द थिंग फर्स्ट थिंग स्टेप बाय स्टेप है दूसरी स्टेप है यानी कि कोई ना कोई फोर्स लग रही होगी प्रोसेस हो रही होगी तीसरी जो है वो टाइम बाउंड ये पूरी की पूरी थ्योरी है क्लियर इन्होंने कहा कि देखिए वेरियस मॉडल्स डेवलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ रेफरेंस सिस्टम जैसे इन्होंने नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन या फिर एरिड यानी विंड के कारण से ग्लेशियल के कारण से मरीन के कारण से बहुत तरीके से अलग अलग मॉडल बने लेकिन जो हमारे डेविस साहब थे इन्होंने रिवर को लिया रिवर को बेसिकली चुना था फॉर द स्टडी ऑफ लैंड फॉम तो डेविस इस तरीके से जो है जियोमॉर्फिक साइकिल थी जिसे साइकिल ऑफ इरोजन भी कहते हैं इसको बेसिकली एक्सप्लेन किया जो इन्होंने एक्सप्लेन किया इन्होंने कहा कि देखिए बेसिकली तीन फैक्टर्स हैं एक है स्ट्रक्चर दूसरी है प्रोसेस और तीसरी है टाइम यहां पर जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि यहां पर भी वो तीनों फैक्टर्स का नाम लिखा गया है स्टेप बाय स्टेप यानी स्ट्रक्चर किस तरीके का आपको दिख रहा है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिस इज प्रोसेस तीसरी टाइम दिस इज टाइम यानी कि कोई भी लैंडफॉर्म इज अ फंक्शन ऑफ थ्री फैक्टर्स वन इज स्ट्रक्चर प्रोसेस एंड स्टेज यही चीज यहां पर भी लिखी गई है कि जो लैंडस्केप है वो बेसिकली स्ट्रक्चर प्रोसेस एंड टाइम इनका जो है वो एक कॉम्बिनेशन है इसका एक कह लीजिए कि अमलगमेटेड फॉर्मेट है स्ट्रक्चर का मतलब था जो भी इनकी स्ट्रक्चर यानी कि लिथोलॉजिकल या जो जो रॉक सिस्टम है रॉक टाइप है उसके बारे में और साथ ही साथ में इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है टाइम वॉज नॉट ओनली यूज इन टेम्पररी कंटेक्स्ट लेकिन इन्होंने एक टाइम एक जरूर दिया था इन्होंने एक बताया किस तरीके से सिस्टम होगा देखिए इन्होंने जो कुछ भी ओवरऑल डेवलपमेंट कही थी उसे बेसिकली तीन पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है उस तीन पार्ट में डिवाइड करने से पहले जरा देख लेते हैं कि इन्होंने कौन कौन से एक तरीके से अजमशन्स लिए हुए हैं तो बेसिक प्रेमाइस ऑफ डिविशियन मॉडल क्या क्या है इन्होंने कहा कि देखिए लैंड फॉर्म्स आर इवॉल्व एज अ प्रोडक्ट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ इंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक फैक्टर्स तो जितने भी एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं या इंटरनल फैक्टर्स हैं उसके कारण से यानी कि जो भी यहाँ पर फोर्सेस लग रहे हैं वो फोर्स दोनों ही तरीके के फोर्स लग रहे हैं इंडो जेनेटिक वाले भी फोर्स लग रहे हैं और एक्जो जेनेटिक वाले भी फोर्स लग रहे हैं जैसा कि ऑलरेडी हम लोग जान रहे हैं इसके कारण से ऑब्वियसली यहाँ पर कई सारे स्टेजेस आएंगे जिसमें डिनिडेशन होगी इरोजन होगा वेदरिंग होगी और अल्टीमेटली डिपोजिशन भी हो रही होगी द डेवोल्यूशन ऑफ लैंडफॉर्म टेक्स प्लेस इन ऑर्डरली मैनर दिस इज ऑर्डरली orderly manner in such a way that systematic sequence of landform is developed through time in response to environmental change to तो इन्होंने सेकेंड एजम्प्शन भी लिया इस तरीके से थर्ड एजम्प्शन इन्होंने लिया कि जो स्ट्रीम्स थी वो इोड करेंगी एंड दे विल रैपिडली डाउनवर्ड अंटिल द ग्रेडेड कंडीशन इज अचीव यानी कि जो रिवर होगी वो तोड़ेगी तोड़ करके नीचे लेकर के उसके मटेरियल को आएगी और अल्टीमेटली एक स्टेबल पोजीशन अचीव करने की कोशिश करेगी डिपोजिशन के जरिए ये पूरा का पूरा जो थ्योरी है वो कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं क्या हर जगह ही रिवर को ही कोट कर रहा है तो रिवर के कारण से जो भी लैंडफॉर्म्स है उनके बारे में इन्होंने बताया था देर इज अ शॉर्ट टाइम पीरियड रेट ऑफ लिफ्टमेंट एंड दिस वॉज द अजम्पन मेड बाय डेविस जिसको कि बाद में बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया तो उन्होंने कहा कि देखिए सबसे पहले अपलिफ्टमेंट होगी बिना अपलिफ्टमेंट के इरोजन पॉसिबल नहीं है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज वेरी क्रिटिसाइजिंग स्टेटमेंट यहां पर इन्होंने बोला कि पहले अपलिफ्टमेंट होगी फिर उसके बाद से जो भी इरोजन या डेनरेशन की प्रोसेस होगी वो बाद में होगी और यही चीज यहां पर लिखी भी गई है इस फोटो में आप देख सकते हैं कि हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस के बारे में बताया गया है जैसे फर्स्ट स्टेज आपको दिखेगी दिस इज इस यूथ स्टेज सेकेंड स्टेज आपको दिखेगी मैच्योरिटी स्टेज थर्ड स्टेज आपको दिखेगी ओल्ड स्टेज यहाँ पर टाइम लिखा गया यानी टाइम के साथ में किस तरीके से डेवलपमेंट हो रही है यहां पर डिफरेंट डिफरेंट डिफरें स्टेज लिखा गया दिस इज स्टेज नंबर वन स्टेज नंबर टू स्टेज नंबर थ्री ऊपर आपको देखने को मिलेगा कि एल्टीट्यूड यहां पर बना है एल्टीट्यूड में देखिए यहां पर दो तरीके की एल्टीट्यूड आप बोल सकते हैं एक होगा जिसे हम बोल सकते हैं कि ये एब्सोल्यूट एल्टीट्यूड क्या है और दूसरी आप बोल सकते हैं कि रिलेटिव एल्टीट्यूड क्या है अब इसका मतलब क्या है एब्सोल्यूट का मतलब होता है सी लेवल के साथ में क्या ऊंचाई है सी लेवल रिलेटिव का मतलब ये होता है विथ रिस्पेक्ट टू द अर्लियर वन पुरानी की वजह से क्या है मतलब क्या चीज है देखिए अगर यहां पर देखेंगे फर्स्ट इस लाइन के अगर आप लेफ्ट साइड में देखिए तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि अपलिफ्टमेंट हो गई है दिस इज द अपलिफ्टमेंट अपलिफ्टमेंट के कारण से इसकी जो ये वाली हाइट आ रही है सपोज दिस इज द हाइट एच इसको बोलेंगे आप कि ये एक एप्सोल्यूट हाइट है एप्सोल्यूट और रिलेटिव दोनों ही यहाँ पर सेम हो जाएगी क्योंकि ही बात है दोनों पे हाइट ये दिस इज द इनिशियल स्टेज और इनिशियल में रिलेटिव में जो भी आप बेस लेवल लेंगे उसके लिए तो सेम ही हो जाएगा तो ये एक तरीके से बेस हो गया जब आगे अब देखिए यहां पर यह अपलिफ्टमेंट हो चुकी है अपलिफ्टमेंट के दौरान में मान लेते हैं कि दिस इज द लोअर हाइट एंड दिस इज द अपर हाइट ये हमारी लैंडफॉर्म है यह हमारी यहां पर जो बनी हुई है दिस इज आवर लैंडफॉर्म कोई भी माउंटेन बोल सकते हैं आप इसको एक तरीके से यहां पर यह पूरा का पूरा जो है वो माउंटेन बन गया है वी हैव कलर्ड इट ओके अब यहां से अपलिफ्टमेंट नहीं होगी दिस इज डन हियर अब यहां से क्या होगी इरोजन इरोजन होगी अब इरोजन होगी तो सीधी सी बात है इसकी जो हाइट है वो लगातार गिरती जाएगी यानी ये कौन सी हाइट है ये हाइट आपकी है एप्सोल्यूट हाइट ूट हाइट या एबसोल्यूट एल्टीट्यूड अब इोजन होगा तो सीधी सी बात है इसका जो बेस लेवल है वो भी नीचे गिरता जाएगा और यह बेस लेवल बेसिकली बेसिकली जो मेन वैली फ्लोर का है वो है यानी कि जो नीचे वाली हाइट है तो यहां से आपको देखने को मिलेगा कि जो हाइट थी जो रिलेटिव हाइट है एबसोल्यूट तो ठीक है वो तो गिर ही रहा है साथ ही साथ में जो रिलेटिव हाइट है जो ये हमारी रिलेटिव हाइट है दिस इज द रिलेटिव हाइट ये रिलेटिव हाइट ये भी गिरते जा रही है मतलब कि हाइट से अब ये नीचे आ गया तो दिस रिलेटिव हाइट इज ऑल्सो डिक्रीजिंग एब्सोल्यूट हाइट तो गिर ही रही है और इस तरीके से यहां पर सिस्टम आ रहा है लेकिन यहां पर एक चीज देखने को मिलेगा यूथ में ये कुछ कम रिलेटिव कटिंग है फिर बहुत अचानक से ज्यादा हो गई और अल्टीमेटली यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि दिस इज़ नियर अचीव्ड द बेस लेवल बेस लेवल को अचीव कर लिया है लेकिन इसकी जो एब्सोल्यूट हाइट है वो अभी भी डाउन कटिंग हो ही रही है और इस तरीके से जो इरोजन है और जो ये डाउन वेस्टिंग या फिर कह लीजिए कि जो डिपोजिशन है ये भी बेसिकली साथ में चल रहा है और इस तरीके से जो लैंडफॉर्म है वो हमारा विजिबल हो रहा होगा और अल्टीमेटली एक छोटा सा यहां पर कॉन्वेक्सो कॉन्केव सरफेस यहां पर मिल जाएगा जिसे हम मोनाइडनॉक बोल रहे हैं और मोनाइड नॉक बेसिकली बनती है रिवर के कारण से जिसको कि डब्ल्यू एम डेविस ने बोला तो ये पूरा फिगर क्लियर हो गया आप लोगों को क्या सिस्टम है यहां पर देखिए लिखा हुआ एल्टीट्यूड ऑफ हाइएस्ट डिवाइड समिट यानी कि दिस इज एप्सोल्यूट हाइट क्लियर अब जरा इसके डिस्कशन को देख लेते हैं फटाफट ऑलरेडी आप लोगों ने देख ही लिया है तो जो साइकिल ऑफ इरोजन है बेसिकली कब स्टार्ट होगा जब अपलिफ्टमेंट पूरी तरीके से हो जाएगी तो ये अपलिफ्टमेंट हो जाएगी फिर उसके बाद से अब यहां पर इरोजन होना शुरू हो जाएगा तो जो रैपिड रेट ऑफ शॉर्ट पीरियड अपलिफ्टमेंट ऑफ लैंड मॉस होमोजीनियस स्ट्रक्चर फेज ऑफ अपलिफ्टमेंट नॉट इंक्लूड द साइक्लिक टाइम एज अ फेज जैसे ये एक तरीके से प्रिपरेटरी स्टेज हो गई मतलब कि यहीं से अब सारा सिस्टम स्टार्ट होगा लिफ्टमेंट हो गई अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है गेम अब स्टार्ट अब सारे प्लेयर्स आ गए हैं इरोजन प्लेयर भी आ गया है डिपोजिशन प्लेयर भी आ गया है अब ये दोनों गेम प्ले करेंगे अपना और गेम प्ले करने के बाद में जो भी अचीवमेंट होगी वो अल्टीमेटली हमें एक स्ट्रक्चर के रूप में देखने को मिल जाएगी प्रोसेस इंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक ये दोनों लग ही रहा है टाइम विजिबल रहेगा ही देखने को हमें मिल ही सकता है तो इस तरीके से इन्होंने जो स्ट्रक्चर प्रोसेस एंड स्टेज है ये देख लिया लेकिन थ्योरी को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इन्होंने कहा कि देखिए जो भी हमारी स्ट्रक्चर है ये बेसिकली तीन फेज में डिवाइड है एक फेज है जिसे यंग बोला गया दूसरा मैच्योर और तीसरी जो है वो सेनाइल या फिर ओल्ड स्टेज है यूथफुल स्टेज में आप देखेंगे तो क्या होती है यहाँ पर वेलोसिटी बहुत हाई होती है जिसके कारण से डाउन कटिंग होगी बहुत ज़्यादा यानी कि वी शेप वैली वगैरह बनेगा वही यहां पर लिखा गया है कि इरोजन जो होता है वो डिपोजिशन मतलब कि अपलिफ्टमेंट के बाद स्टार्ट होगी और इस तरीके से जो टॉप सरफेस ऑफ द द समिट है वाटर डिवाइड नॉट अफेक्टेड बाय इरोजन बिकॉज रिवर्स आर स्मॉल एंड वाइडली इस तरीके से यहाँ पर बिकॉज ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ये अल्टीमेटली जो होती है अपनी एनर्जी फ्रिक्शन में जनरेट कर देगा और फ्रिक्शन के थ्रू यहां पर डाउन कटिंग और वी शेप्ड वैली वगैरह बनना शुरू हो जाएगी और इसके बाद से फिर दूसरी स्टेज आती है मैच्योर स्टेज मैच्योर स्टेज में क्या होगा कि थोड़ी थोड़ी डिपोजिशन भी स्टार्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी थोड़ी सी इसकी कम हो जाती है क्योंकि इसका स्लोप जो है वो रिलेटिवली कम हो गया है तो अर्ली मैच्योर स्टेज इज हेराल्टेड बाई मार्क्ड लेटरल इरोजन एंड वेल इंटीग्रेटेड ड्रेनेज नेटवर्क ग्रेडेड कंडीशन स्प्रेड ओवर लार्ज एरिया एंड मोस्ट ऑफ द ट्रिब्यूटरीज आर ग्रेडेड टू बेस लेवल ऑफ इरोजन वर्टिकल ओरोजन यानी कि जो डीप वैली डीपनिंग है वो हो ही रही है और साथ ही साथ में थोड़ा मोड़ा जो भी सिस्टम है मतलब कि डिपोजिशन का वो भी हो रहा है और इस तरीके से जो एब्सोल्यूट रिलीफ है वो लोअर हो रही है ये चीज दिख रहा है आप लोगों को तो जो एब्सोल्यूट रिलीफ और रिलेटिव रिलीफ दोनों ही क्या होगी घटेगी अभी हम लोगों ने देखा था एंड जो लेटरल इरोजन है दिस लीड टू वैली वाइडनिंग विच ट्रांसफॉर्म वी शेप अब ये वी शेप जो यूथफुल में बना था यहाँ पर देखिए यूथफुल में जो वी शेप बना था वो वाइडन होकर के अब यूनिफॉर्म और रेक्टीलिनियर अब जैसे ये वी जो था वो अब धीरे धीरे क्या होगा इस तरीके से बदलना शुरू हो जाएगा और एक समय ऐसा आएगा जब ये पूरी की पूरी एक रेक्टेंगुलर टाइप की रेक्टीलिनियर फॉर्मेट हो जाएगी और ये पूरा का पूरा जो है वो कट गया है और यहाँ पर एक लेक या पूरी स्ट्रीम या पूरी की पूरी जो वॉल्यूम है वो निकल रही होगी दिस मार्क द रिवर जो वैली डीपनिंग uh, है और वैली वाइडनिंग है ये दोनों स्टार्ट हो जा रही है एंड दिस इज बिकॉज ऑफ वॉट दिस इज ड्यू टू डिक्रीज इन द चैनल ग्रेडियंट यानी स्लो फ्लो विटी एंड ट्रांसपोर्टिंग कैपेसिटी ऑफ द रिवर तो ये हो गई आपकी मैच्योर फेज मैच्योर के बाद फिर तीसरी आती है जो ओल्ड स्टेज आती है ओल्ड स्टेज बेसिकली क्या होता है यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी लगभग लगभग खत्म हो चुकी है जिसके कारण से जो डीपनिंग थी ये डीपनिंग का काम लगभग लगभग खत्म हो चुका है वाइडनिंग का काम थोड़ा मोड़ा अगर हुआ तो हुआ अदरवाइज मैक्सिमम जो होगी वो डिपोजिशन का काम होगा और इस डिपोजिशन के कारण से क्या बनेगा डेल्टा या फिर इसी को बोल सकते हैं कि विद अ टाइम इट विल डेवलप इट्स बेस लेवल ये बेस लेवल को अचीव कर लेगा तो ओल्ड स्टेज इज कैरेक्टराइज बाई ऑलमोस्ट टोटल एब्सेंस ऑफ वेली इन सीजन बट लेटरल इोजन थोड़ा मोड़ा या फिर वैली वाइडनिंग जो होती है थोड़ी थोड़ी एक्टिव होगी वाटर डिवाइड आर मोर रैपिडली इरोडेड इनफैक्ट वाटर डिवाइड आर रिड्यूज इन डिमेंशन बाई बोथ डाउन वेस्टिंग एंड बैक वेस्टिंग द अपर कर फॉल मोर रैपिडली एंड दिस मीन्स दे बाई देर इज अ रैपिड रेट ऑफ डिक्रीज इन एबसोल्यूट हाइट यानी कि एबसोल्यूट हाइट तो बहुत ज़्यादा ही गिर जाएगी रिलेटिव तो गिरी रही है एबसोल्यूट भी गिरेगी पर आपको देखने को मिलेगा दिस रिलेटिव एंड रिलीफ आल्सो डिक्रीज शार्पली बिकॉज ऑफ एक्टिव लेटरल इरोजन बट नो वर्टिकल इरोजन क्लियर हो गई पूरा सिस्टम क्या है वैली बिकम्स ऑलमोस्ट फ्लैट विद कॉनकेव वैली अब ये पूरा का पूरा सिस्टम इस तरीके से आ जाएगा यानी कि ये कॉनकेव वैली बन जाएगी यहां पर लेकिन अल्टीमेटली ये दिस इज नॉट द स्टेबल पोजिशन ओके सो दिस इज नॉट द स्टेबल देन व्हाट विल हैपन क्या होगा आगे इट विल ट्राई टू मेक अ स्टेबल पोजीशन और स्टेबल किस तरीके से बनेगा ये स्टेबल बनेगा जब आगे सिस्टम मतलब कि जब आगे एक आ, बेस लेवल अचीव होगा एंड द बेस लेवल विल बी वॉट इट इज अ कॉन्वेक्सो कॉन्केव सर्फेस यहाँ पर देखिए आपको देखने को मिलेगा कि ये ग्रेजुअली वैली जो डिवाइड है ये सब आगे हो जाएगा एंड इट विल अल्टीमेटलीट ये अल्टीमेटली कॉन्वेक्सो कॉन के मोनाड नॉक एन एक्सटेंसिव प्लेन बन जाएगा ऑफ लो रिलीफ एंड दिस इज दी वो बेस लेवल है जो अचीव करना यह चाहता था दस द एंटायर लैंडस्केप इज ट्रांसफॉर्म इन टू पेनी प्लेन जैसा कि ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया है तो इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा डिविशन थ्यूरी खत्म होता है यहां पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो देखिए इन्होंने तीन चीजों के बारे में बताया था एक थी जो हमारी स्ट्रक्चर थी दूसरी थी जो हमारी स्टेज या स्ट्रक्चर एक हो गई जो हमारी प्रोसेस थी और तीसरी हमारी हो गई जो टाइम थी अब जरा आप ये बताइए हम लोगों ने डिस्कशन के दौरान में क्या केवल और केवल यंग मैच्योर और ओल्ड एज यही केवल किया क्या इसी को ज्यादा ध्यान से देखा है कहीं पर भी टाइम बाउंड या टाइम डिपेंडेंट कोई चीज आई क्या नहीं यानी कि इसको इग्नोर किया गया है प्रोसेस को क्या कहीं पर भी प्रोसेस बताया गया कि कौन से फोर्स कहां पर लग रही है इंडोजेनेटिक कहां पर लग रही है एक्सोजेनेटिक कहां पर लग रही है क्या यहां पर बताया गया है केवल एक ही चीज बताया गया है कि रिवर है रिवर के पास काइनेटिक एनर्जी है और काइनेटिक एनर्जी के कारण से फ्रिक्शन और फ्रिक्शन के कारण से अल्टीमेटली इरोजन हो रही है इरोजन या फिर डिपोजिशन तो यानी प्रोसेस को इग्नोर तो नहीं किया गया है प्रोसेस को यूज किया गया है लेकिन इसको ज्यादा फोकस नहीं किया गया है तो नॉट मच फोकस्ड ज्यादा फोकस नहीं किया गया है लेकिन स्ट्रक्चर एकदम फोकस्ड एरिया है दिस इज एक्चुअली द फोकस्ड एरिया तो यहां पर आप एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं के तौर कि डेविस डेविस ने फोकस्ड मोर ओवर स्ट्रक्चर बट इग्नोर्ड द टाइम फैक्टर तो इस तरीके से ये सिस्टम आप इवेल्युएट कर सकते हैं हालांकि हालांकि जो डेविस का कंसेप्ट है वो पॉजिटिव कंसेप्ट भी आप बोल सकते हैं क्योंकि डेविस एक पहली ऐसी थ्योरी थी और पहला ऐसा डेवलपमेंट था जिसके बाद से लोगों ने अब लैंड फॉर्म डेवलपमेंट के बारे में पढ़ाई करनी शुरू कर दी थी एस पार्ट ऑफ एवल्यूशन के बारे में अगर देखा जाए तो डेविशियन मॉडल ऑफ जियोग्राफिकल साइकिल रिव्यूड रिसीव्ड वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन एंड जो जियो जियोमार्फोलॉजिस्ट रेडली अप्लाइड दिस हिज मॉडल इन द जियोमोरफोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन तो यहाँ से चीज़ें स्टार्ट होती हैं जस्ट लाइक अगर आप अर्थ के इंटीरियर के बारे में अगर बात करेंगे या अर्थ के अर्थ uh, नहीं प्लानट के बारे में अगर स्टडी करेंगे तो वी हैव डिफरेंट थ्योरीज जैसे प्लानिजिमल थ्योरीज़ वन पॉइंट थ्योरी सेकेंड पॉइंट थ्योरी तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज आ जाती हैं और इस थ्योरी के बाद अल्टीमेटली हमें क्या होता है इसके बाद हमें uh, हमारे पास नई नई थ्योरीज और आई जैसे कि हमारे बिग बैंग थ्योरी आ गई फिर उसके बाद से एक नई डेवलपमेंट आई हुई है ग्रेविटेशनल वेव थ्योरी और इस थ्योरी के कारण से अल्टीमेटली हम लोग यही बोल सकते हैं कि स्टिल देयर इज अ लॉट मोर थिंग्स लॉट मोर रिसर्च नीड टू बी देयर जिससे कि हमें आगे डेवलपमेंट और सामने आएगी लेकिन हम लोग जो पुरानी हमारी थ्यूरीज उसको हम लोग गलत नहीं कह सकते हैं पूरी तरीके से क्योंकि उसमें कोई ना कोई सच्चाई कोई ना कोई एक पॉइंट जरूर होता है जिसके बेसिस पे वो थ्यूरी डिराइव की गई थी बट उस समय की इनपुट्स उस समय की कंडीशन उस समय के डेटा उस समय की नॉलेज ये हमारे पास लिमिटेड थी इस कारण से हमने जो अल्टीमेटली उसका कंक्लूजन निकाला वो भी लिमिटेड था बट लिमिटेशन इज़ नॉट अ रॉन्ग थ्यूरी या रॉन्ग इंटरप्रिटेशन ऑफ द थ्यूरी लिमिटेशन हैज इट्स ओन प्रॉब्लम बट वी कैन नॉट जस्ट से कि ये थ्यूरी गलत है सेम केस विद द डेविस ऑल्सो डेविस में भी कई सारे अच्छे पॉइंट्स थे जैसे कि डेविस की जो मॉडल थी वो सिंपल और एप्लीकेबल है डेविस ने सिंप्लीफाइड मैनर ल्यूसिड मैनर आराम से अच्छे से बताया था एक ऐसे लैंग्वेज में एक्सप्रेसिव लैंग्वेज में बताया जिसके थ्रू आप चीजों को विजुलाइज भी कर सकते थे जो लैंग्वेज यूज की वो काफी आसान थी और इनफैक्ट ये चीज कहा जा सकता है कि अगर डेविस ने डेविस के लिए एक ब्रायन साहब थे उन्होंने कहा कि जो डेविस रिटोरिकल स्टाइल इज जस्ट एडमायर्ड एंड सेवरल जनरेशन ऑफ रीडर बिकम शॉर्टली बी म्यूज बाई लॉन्ग माइल्ड एक्सटॉक्स इंटॉक्सिकेशन ऑफ लिंपिड प्रोज ऑफ दिस डेविस रिमार्केबल एस से तो जितनी ज़्यादा सिम्प्लीफाइड मैनर में है कि फ्यूचर के लोग भी इसको पढ़ाई करेंगे डेविस बेस्ड इज मॉडल ऑन अ डिटेल्ड एंड केयरफुल फील्ड ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर उन्होंने क्या था तो अगेन हम लोग बोल सकते हैं कि दिस इज अ करेक्ट मॉडल डेविस का मॉडल जो था वो केम एज अ जनरल थ्योरी ऑफ लैंड फॉर्म डेवलपमेंट लेकिन अब हम लोग अगर इसको जनरलाइज करते हैं जस्ट टू ऑब्जर्व दिस रिवर सिस्टम इन द ह्यूमड एरिया जैसे कि अमेरिकन थे तो अमेरिका में ही इन्होंने स्टडी की थी अमेरिका की ही रिवर को लेकर के इन्होंने स्टडी की थी तो केवल और केवल उस स्टडी के बेसिस पे अगर वर्ल्ड वाइड जनरलाइजेशन कर दें अगर तो दिस विल बी अ रॉन्ग स्टेटमेंट लेकिन एक चीज़ यहां पर आप देख सकते हैं कि जो डेविस की थ्योरी थी दिस वॉज मोर लेस डिपेंडेंट और दिस वॉज इंस्पायर्ड बाई बर्ननालॉल्ड वरेनियस क्योंकि सेम थिंग बर्नाल्ड वरेनियस ने भी कहा था कि एक जनरलाइज कर लिया जाएगा बाई ऑब्जर्विंग द सिंगल थिंग तो यहां से आप बोल सकते हैं कि दिस इज काइंड ऑफ ए डिडक्टिव रीजनिंग तो ये छोटे छोटे पॉइंट भी आप यहां पर एड कर सकते हैं इसके अलावा जो मॉडल था वो सिंथेसाइज किया था द करंट जियोलॉजिकल थॉट इन अदर वर्ड डेविस इनकॉर्पोरेटेड द कंसेप्ट ऑफ बेस लेवल एंड जेनेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ रिवर वैली और इस तरीके से जो ग्रेडेड स्ट्रीम ऑफ गिलबर्ट है वो बेसिकली सामने आया था तो अगेन ये थ्योरी में कुछ ना कुछ पॉइंट्स तो सही है ही इसके अलावा इन्होंने इंटरप्रिटेशन और लैंड फॉर्म के बारे में भी बात किया है लेकिन यहां पर कई सारे प्रॉब्लम्स भी हैं एक प्रॉब्लम तो ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया कि इन्होंने स्टेज पे या स्ट्रक्चर पे ज्यादा फोकस किया था एज कम्पेयर टू द प्रोसेस और टाइम आगे देखें तो इनका जो कॉन्सेप्ट था अपलिफ्टमेंट के बाद ही इरोजन होगा दिस इज वेरी इम्प्रैक्टिकल ये एक तरीके से ऐसा हो गया कि आप इरोजन को रोक रहे हैं कह रहे हैं नहीं भाई तुम अभी रुके रहो अभी पहले अपलिफ्टमेंट होगा देन ओनली यू कैन गो बट इन नेचर दिस इज नॉट पॉसिबल यू कैन नॉट स्टॉप एनी प्रोसेस टू एक्ट अपॉन दिस इज द बिगेस्ट क्रिटिसिजम ऑफ डेविशियन मॉडल डेविस कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन अपलिफ्टमेंट एनरोजन इज अगेन वेरी इनियस एंड अकॉर्डिंग टू हिम नो इन कैन स्टार्ट अनलेस अपलिफ्टमेंट इज कम्प्लीट अब यहां पर वही सेम क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि क्या सच में ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है इस चीज का यूज किया गया पेंक के द्वारा वॉल्टर पेंक और इन्होंने कहा कि देखिए दिस इज ओवर इम्फेसाइज Uh, uh, जो हमारे स्ट्रक्चर पे ओवर एम्फोसाइज किया गया है डेविस साहब के द्वारा दिस इज दिस इज़ हैविंग सम प्रॉब्लम और इस वजह से इन्होंने कहा कि जो डेविस का मॉडल है दिस इनवाइसेस टाइम डिपेंडेंट सीरीज ऑफ लैंड फॉर्म डेवलपमेंट वेयर एज पेंग अ फॉर टाइम इंडिपेंडेंट सीरीज और इस तरीके से उन्होंने स्टेज की बजाय फेज पे ध्यान दिया और इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इसके अलावा कुछ और भी हमारे जोग्राफर्स थे जैसे कि स्ट्रॉलर हो गए या फिर हैक हो गए है, या फिर हमारे जो कोरी साहब हैं तो इन लोगों ने भी डिवीजन कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया उन्होंने कहा दिस इज़ नॉट द करेक्ट वे ऑफ एक्सप्लेनेशन एंड द करेक्ट वे टू एक्सप्लेन लैंड फॉर्म डेवलपमेंट एंड दैट इज़ वाई वी नीड सम मोर न्यू डायनेमिक थ्यूरीज टू एक्सप्लेन दिस लैंड फॉर्म डेवलपमेंट जिसको कि आगे पेंक के द्वारा डेवलप किया गया था तो वी आर गोइंग टू लुक इन टू द थ्योरी ऑफ पेंक इन द नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे आखिर में क्या चीज है नेक्स्ट लेक्चर में ओवरऑल एक कंक्लूजन अगर मेंटेन करना होगा तो यू कैन से कि जो नॉन साइक्लिक कंसेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम है एज अ वैलिड सब्स्टिट्यूट ऑफ डेविस साइक्लिक मॉडल यह आप कह सकते हैं कि दिस इज ओपन सिस्टम मॉडल

इनफैक्ट एक साहब थे जिनका नाम था हैगन्स है इन्होंने कहा कि देखिए जो अर्थ है जो हिस्ट्री ऑफ अर्थ है वो खुद भी एक साइकिलिक प्रोसेस है और इस साइकिलिक प्रोसेस जो टाइम डिपेंडेंट साइकिलिक इन सारी चीज़ों को भी लोग जो जोग्राफर है वो भी खोजते हैं और डेविस ने यही सेम काम किया है तो हम लोग ये नहीं कह सकते कि डेविसियन थ्योरी वॉज इम्प्रैक्टिकल और प्रॉब्लमेटिक थ्योरी बट ही हैज़ सम वैलिड पॉइंट्स ऑल दो ही हैज़ नॉट एक्सप्लेन एवरीथिंग बट ही हैज समलिड पॉइंट्स एंड वी नीड टू अन अर्थ एंड एग्जामिन सम द नॉन साइक्लिक पॉइंट्स टू टेल हीम या फिर टू इवेल्युएट हिम एज अ रॉन्ग थ्यूरी तो दिस इज द ओवरऑल कंक्लूजन जो आप ये कंक्लूड कर सकते हैं तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए देख लीजिए ये आपकी थ्योरी है ये आपका एक कंसेप्ट है जिसको कि आप लिखिएगा 300 वर्ड में लिख करके यू कैन सेंड इट टू रिकोगोग्नीशन आई एस एट जी मेल डॉट कॉम फ्रॉम देयर वी विल इवेलूए एंड गिव यू फीडबैक इफ़ यू हैव एनी क्वारी देन ओवियसली यू कैन रीच एज बाई यूजिंग दीज मोड्स एंड कोई भी अगर डाउट वगैरह होता है तो आप रिकोगनीशन आई एस एट जी मेल डॉट कॉम पर अपना ई मेल करके पूछ सकते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल दैन गुड बाय एंड थैंक यू सो मच